नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजधानी पटना में 3 दिनों तक धारा 144 लागू, अक्टूबर महीने में हो सकती है निकाय चुनाव। शिक्षकों के मूल वेतन में किया गया 15% का वृद्धि। सुशील मोदी शिक्षा मंत्री पर एक बार फिर हुए हमलावर। एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजधानी पटना में 3 दिनों तक धारा 144 लागू। राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लगा दिया गया है। दरअसल बीते दिन हुए प्रदर्शनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इन शहरी इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान कोई भी आम से लेकर खास प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हालांकि जिला प्रशासन किसी भी तरह के प्रदर्शन या आंदोलन के लिए पटना के गर्दनीबाग के स्थल को चयनित किया है। यह क्षेत्र धारा 144 के कानून से मुक्त होगा। मालूम हो कि बीते दिन सीटेट बीटेट अभ्यर्थी सहित जूनियर डॉक्टर्स ने जमकर प्रदर्शन किया था। इसी को देखते हुए पटना के डीएम चंद्रशेखर ने धारा 144 लगाने का फैसला किया। अक्टूबर महीने में हो सकते हैं निकाय चुनाव। बीते दिन राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद की अध्यक्षता में नगर निकाय आम चुनाव 2022 को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अहम बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक अहम फैसला लिया गया है। बीते दिन वे इस बैठक में ईवीएम की कमीशनिंग संबंधी कार्य, निकाय के 3 पदों के अनुरूप मतगणना हॉल का आकलन, चुनाव में होने वाले खर्च को लेकर नगर विकास विभाग को राशि आवंटन के लिए पत्र भेजने, मतदान सामग्रियों की व्यवस्था एवं ससमय वितरण इत्यादि को लेकर चर्चा की गई। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि राज्य में सितंबर में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है और अक्टूबर में मतदान कराए जाने के आसार हैं। इन 18 ट्रेनों का परिचालन 2 दिनों तक रहेगा प्रभावित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एनआई और प्री एनआई कार्य को लेकर समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 18 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं 8 ट्रेनों का रूट बदलकर परिचालन किया जाएगा। दरअसल उक्त रेलखंड अंतर्गत किशनपुर, रामभद्रपुर, थालवार और हायाघाट स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इसको देखते हुए 23 और 24 अगस्त को कुल 18 ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। इसमें भागलपुर इंटरसिटी, जानकी एक्सप्रेस, जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। इसके अलावा बिहार संपर्क क्रांति, मिथिला अंत्योदय, गरीब रथ, जननायक एक्सप्रेस, बागमती, क्लोन एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों का परिचालन मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है, विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। बिहार के 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में फिलहाल मौसम का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इस दौरान पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा अपडेट में कहा गया है कि राजधानी पटना समेत बिहार के 19 जिलों में आंधी बारिश के साथ ही बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं दूसरी ओर 19 अगस्त से ही गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज सुबह तक के अपडेट में राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर सोमवार रात बढ़कर 48.6 पहुँच गया था। हालांकि यह जलस्तर आज सुबह तक स्थिर दिखा। वहीं आंधी और बारिश की संभावना वाले जिलों में पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, नवादा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज और बक्सर जिला शामिल है। शिक्षकों के मूल वेतन में किया गया 15% का वृद्धि। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 1531 अनुदानित संस्कृत विद्यालयों और अराजकीय प्रस्वीकृत 86 प्रतिकूल संस्थान के संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं इससे पहले इस तरह से वेतन वृद्धि नियोजित शिक्षकों की हो चुकी है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से देय है। आपको बताते चले कि वेतन वृद्धि के बाद मध्य संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक का वेतन अब 22,480 रुपए हो गया है। इसके अलावा संस्कृत मध्य विद्यालयों के पदाधिकारियों में भी वेतन बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हर शिक्षक के वेतन में 1,000 से 3,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत पैसे उठाने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले 3 लाभुक हुए गिरफ्तार। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं कि पीएम आवास योजना के तहत लाभुक पैसे तो ले लेते हैं लेकिन घर नहीं बनाते हैं। हालांकि ऐसे लोग पर सरकार अब शिकंजा कस रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों के विरुद्ध अररिया में प्रखंड प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसके तहत भड़गामा पुलिस ने सरकारी राशि लेकर मकान नहीं बनाने वाले 3 लाभुकों को गिरफ्तार किया।
किया है। तीनों खजूरी पंचायत के रहने वाले हैं। इन पर आरोप है कि बार बार नोटिस के बाद भी समय से घर का निर्माण नहीं कराया। हालांकि बताया गया है कि अंतिम बार लावुक द्वारा एक सप्ताह के अंदर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने के शर्त पर बॉन्ड भरवा कर छोड़ा गया है। दुबई में दिखी जन्माष्टमी की धूम। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर अबू धाबी में वीकेंड पर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया गया। बैप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी में कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम था जो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सनातन धर्मावलंबी यूएई के विभिन्न प्रांतों से आकर सम्मिलित हुए। भोजपुरिया परिवार यूएई के संस्थापक अजय कुमार शाही एवं भोजपुरिया रेस्टोरेंट के मालिक लोकेश मिश्रा के नेतृत्व में दुबई शारजाह अजमान एवं आबुधाबी से सदस्यगण सब परिवार सम्मिलित हुए। भोजपुरिया परिवार यूए जन्माष्टमी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बैप्स मंदिर टीम के प्रणव देसाई, बिहार समाज आबुधाबी के दिवाकर कुमार, प्रवीण कुमार तथा भोजपुरिया परिवार के अभय सिंह, मनीष सिंह, ज्ञान उपाध्याय, आनंद पांडे, कमलेश कुमार, गोपाल कृष्ण जी का आभार व्यक्त करता है। NCC DC मुख्यालय ने परीक्षा से संबंधित किए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। NCC DC मुख्यालय ने परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब सी सर्टिफिकेट पास कैडेट को यूनिक नंबर युक्त डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं यह भी बताया गया है कि NCC DC की अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट हो गई है। इस वेबसाइट पर NCC से संबंधित रिजल्ट, प्रमाण पत्र और नामांकन जैसी सभी प्रकार की सूचनाएँ मिल सकेंगी। वहीं निदेशालय के अलावा सभी ग्रुप और बटालियन के पास अपना लॉगिन ID होगा जिससे वेबसाइट को अपडेट किया जा सकेगा। अब से कैडेटों को डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा लेकिन इसकी हार्ड कॉपी भी डिमांड के अनुरूप मिलेगा। इससे पहले मैनुअल तरीके से प्रमाण पत्र जारी किया जाता रहा है। इस जिले के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर फिर लगा ग्रहण। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर फिर ग्रहण लग गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का DPR बनाने से लेकर काम की मॉनिटरिंग करने वाली PMC यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के अधिकारी व कर्मचारी शनिवार से हड़ताल पर हैं। PMC की नाराजगी किए गए काम का भुगतान नहीं होने और समय अवधि विस्तार यानी एक्सटेंशन नहीं मिलने से है। आपको बता दें कि July 2021 में एक साल के लिए PMC की बहाली हुई थी जिसके बाद इनका 21 जुलाई को समय पूरा हो गया। समय अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिला जिसके बाद वर्तमान प्रशासक सह MD आशुतोष द्विवेदी ने पेमेंट रोक दिया है। इसी बात को लेकर PMC हड़ताल पर हैं और काम ठप पड़ा है। सृजन घोटाला मामले में सरिता झा को मिली जमानत। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले मामले में वर्ष 2017 से जेल में बंद महिला अभियुक्त सरिता झा को बीते दिन हाईकोर्ट से नियमित जमानत दे दी गई है। दरअसल सरिता झा सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड सबौर की मैनेजर थी। इन पर आरोप था कि पैसे के लेन देन में चेक पर इन्हीं का हस्ताक्षर होता था। वहीं वर्ष 2017 में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो जांच के दौरान इनके खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अब बीते दिन न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने अभियुक्त सरिता झा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी है। सुशील मोदी शिक्षा मंत्री पर एक बार फिर हुए हमलावर। बीते दिन CTET BTET के अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज के बाद पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच सुशील मोदी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग लगातार उनकी पार्टी जदयू के पास ही है, इसलिए उन्हें अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए। यही नहीं, नई सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कारतूस प्रेमी नए शिक्षा मंत्री 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा करते हैं जबकि शिक्षक की नौकरी मांगने वालों पर डंडे बरसाए जाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पर राजद विधायक ने कहा, NDA वाला आदत पड़ा है। बीते दिन राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे CTET और BTET छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला गहराता जा रहा है। इस मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इस पर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से राजद विधायक अनिल सहनी ने उन अधिकारियों को एक प्रकार का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने ADM को लेकर कहा कि अभी NDA वाला आदत पड़ा हुआ है, सब सुधर जाएंगे। दरअसल बीते दिन एक ऐसे छात्र पर ADM ने लाठीचार्ज किया जिसने हाथों में तिरंगा ले रखा था, जिसके बाद उस छात्र को घायल अवस्था में इलाज के लिए ले जाया गया। मामला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पटना के DM चंद्रशेखर से बात की, जिसके बाद DM ने जांच कमेटी का गठन करने का आदेश दिया। इसके बाद से पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। ललन सिंह ने बताया कि RCP सिंह क्या थे। जदयू का मानना है कि RCP सिंह ने जदयू को धोखा दिया है। चिराग मॉडल के सहारे जदयू को तोड़ने की कोशिश की गई है। जब से RCP सिंह ने जदयू से इस्तीफा दिया है तभी से जदयू लगातार RCP सिंह पर हमलावर है। इस बीच एक बार फिर से जदयू के संसदीय
बोर्ड के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि आरसीपीसी क्या थे। दरअसल बीते दिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान ललन सिंह ने कहा कि आरसीपीसी क्या है। आरसीपीसी नीतीश कुमार के क्रिएशन थे। नीतीश कुमार ने ही उन्हें खादी का कुर्ता पैजामा दिया और पहनने के लिए सिखलाया भी। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने उन्हें बनाया, जिनके वे क्रिएशन हैं, उन्हीं के पीछे छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। उन्हीं को कहते हैं कि वह झूठ बोलते हैं। एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। भारतीय टीम एशिया कप 2022 के लिए दुबई रवाना हो गई है। इसी के साथ भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ COVID-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह टीम के साथ दुबई के लिए रवाना नहीं हुए हैं। राहुल द्रविड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद VVS लक्ष्मण एशिया कप 2022 में उनकी भूमिका निभा सकते हैं। मालूम हो कि 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में भारत का पहला मैच पाकिस्तान से 28 अगस्त को है। देश भर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 8,586 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 98 कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 53 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 58,575 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 77 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बासुकी पंजियारा, नुन्नू कुमार, रंजीत मिश्रा, संतोष कुमार ब्रह्मदेव, महेश उदास, संतोष कुमार, भान प्रकाश मौर्य, सोनी कुमारी, कांति कुमारी, आयान आलम, राजकुमार प्रसाद और अजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके क्षेत्र में लाभ मिल पा रहा है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।